हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम खालिद खान, योर इंग्लिश टीचर। आज आपका लेक्चर नंबर 8 है और पोम एज यू नो द ट्वाइस, बहुत ही प्यारी पोम बच्चों, द ट्वाइस खिलौने के बारे में। जब आप छोटे होंगे, छोटे थे, तो आपको आपने ये बहुत ट्वाइस खेले होंगे। आज मैं जो बातें बताऊँगा बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। दिस पोम इज कम्पोज बाई कोवेंट्री कैसे डिक्टन पैटमोर। बुक में मैंशन है कोवेंट्री पैटमोर, बट इज कम्प्लीट नेम वॉज सी कॉमेंट्री कैसे डिक्टन पैटमोर, अ लॉन्ग नेम, ठीक है। वॉज बॉर्न इन 1823 एंड डाइड इन 1896 को। कॉमेंट्री वॉज अ डीपली रिलीजियस पोएट, यानी बिल्कुल वो मजहब में डूबा हुआ था। ऑल इज पोम वॉज बेस्ड ऑन रिलीजियस पर्पज, ठीक है। तो ही वॉज कॉल्ड डीपली रिलीजियस पोएट। ये हमारे पास इसके डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, ओके। अब इस पोम के अंदर जो मेन बातें हैं, दो सवाल आते हैं। एक सवाल तो लेक्चर में ही आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे कि हमारे पास जो लाइन स्टार्टिंग करता हूँ मैं, पोएट कहता है अपने बेटे के बारे में, हमें अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करनी बहुत ज़रूरत है बच्चों। लेकिन यहाँ पर बच्चे जो बच्चे होते हैं बहुत मासूम होते हैं, मन के अच्छे सच्चे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे के बारे में बाप ने बताए और क्रिश्चियन फेथ के बारे में वो कंपेयर करता है। क्रिश्चियन फेथ क्या होता है, मैं आपको कुछ देर बाद में आके बताऊंगा। कहता है अपने बेटे के बारे में, पोएट अपने बेटे के बारे में पोएम लिख रहा है। वो कहता है माय लिटिल सन हु लुक फ्रॉम थॉटफुल आइस, यानी कि पोएट कहता है अपने बेटे के बारे में, एक बाप है वो पोएट भी है, कहता है अपने बेटे के बारे में, मेरा बेटा मुझको आँख दिखा रहा था, ऐसा दिखा रहा था कि वो मुझे खा जाएगा, गुस्से कर रहा है मुझ पर। यानी पोएट कहता है थॉटफुल आइस एंड मूव एंड स्पोक इन क्वाइट ग्रोनसम वॉइस, और इस तरह से वो अपने बिहेवियर कर रहा था जैसे वो बहुत ही अकलमंद, बहुत मैनरेबल, बहुत तमीज़दार, बहुत यानी बड़ा हो चुका है। बाप से बच्चा बड़ा कभी नहीं पॉसिबल है, बाप होता है, बच्चे बच्चे होते हैं। तो यहाँ पर पोएट कहता है कि मेरी औलाद, मेरा बेटा, छोटा बेटा, वो मुझे आँख दिखा रहे हैं और मुझे वो मैनर सिखा रहे हैं, मुझे गुस्सा आ गया। ऑफकोर्स कोई बच्चा अगर बाप को कुछ सिखाए, कोई बताए अजीब सी बातें, तो ऑफकोर्स बाप को बातें हजम नहीं होती हैं। तो यहाँ पर भी बाप ने बेटे को बार बार मना किया। अब सुनिएगा, अब कहता है बाप पोएट यानी कि अपने बेटे के बारे में, हैविंग माई लॉ द 7 times obeyed, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 7 times उसके बेटे ने अपने बाप की नाफरमानी की। यानी कि बाप ने कुछ कहा कि ये काम करो, ये काम करो, उसने कहा मना कर दिया, बेटा आप पढ़ लो, किताब खोल लो, नहीं मैं नहीं पढ़ूंगा। अब एक बाप है बेटा, उसके टेम्परमेंट है, आप भी अब बच्चे हो, योर पेरेंट्स से समथिंग टू यू बेटा प्लीज डू दिस वर्क, आप उसको डिनाई करोगे, 1 time योर फादर विल एक्सक्यूज यू, 7 times इन द एंड ही विल स्लैप यू, वो पीट देंगे आपको, कूट देंगे डैड सिम का। तो यहाँ पर बाप ने भी अपने बेटे को 7 बार जब बात नहीं मानी तो पारा हाई हो चुका था, और फिर बाप ने उसको चमाट मारा और बुरे अल्फाज बोले, डांटा उसको छोटे बेटे को। तो कहते हैं आई स्ट्रक हिम, मैंने उसे पढ़ाई कर दी, क्यों, जब उसने मेरी बात 7 बार जब नहीं मानेगा तो ऑफको, आज के बच्चे तो भूल जाओ 7 बार क्या, 700 बार तो बाप की बात नहीं मानते हैं, ये तो पुराने वाली बात है बेटा, ठीक है। एंड डिसमिस, और कहा दफा ऐसे, यानी पढ़ाई की बेटे की, और कहा दफा हो जाओ, डिसमिस, चलो ऐसे शक्ल घूम करो अपनी, विथ हार्ड वर्क एंड अनकेस, जोर से आवाज, कड़कदार आवाज में डांटा, चलो बेटा दफा से बात नहीं, दोबारा यहाँ पर नहीं आना। तो इस तरह के वर्ड जब बच्चे के लिए कहा गया और बच्चे को पढ़ाई पढ़ती, बच्चा और बाप ने बेटे को प्यार किए बगैर कमरे से उसको भगा दिया, डिसमिस करवा दिया। अब बेचारा बच्चा मासूम वो था, पीटता हुआ अपने कमरे, बाबे कमरे से अपने कमरे में चला गया। उसके बाद क्या होता है, लिसन, अब हिज मदर हु वॉज फैशन बिग डैट, अगर उसकी माँ जिंदा होती, अब अगर बाप अगर बेटे को मारता है ना बच्चे को, तो बच्चे फोन भागते हैं, मामा देखिए पापा मुझे मार रहे हैं, प्लीज हेल्प मी, अरे क्या हुआ, छोड़ी बच्चा है शरारत कर रहे, आइंदा नहीं करेगा ये। ऐसे ही होता है, आप भी अगर शरारत करते हो, काम नहीं कर रहे होते हो, अगर आपकी मामा डांट रही होती, यू जस्ट गो फॉरवर्ड टू योर फादर, डैड मामा मुझे डांट रही है, मामा मुझे मार, समझाया उनको, तो अब्बा जी आपको संभालते हैं, ओके बेटा बेगम अब ना करो, ये अब नहीं करेगा। अगर माँ माँ बाप मार रहे हैं, यू मस्ट गो। तो यहाँ पर कहानी कुछ आ रहे, बच्चे को पढ़ाई पड़ती है, वो पहुँचता है अपने कमरे में, अगर उसकी माँ जिंदा होती
तो वो उसको अपने सीने से लगाती और बोलती, बेटा गलती नहीं करना, आइंदा बाप की माना करो, गलती नहीं करना, बात नहीं मानोगे। ओके, तो बाप को ऐसे करते चाहिए। यहाँ पर भी बच्चों बात ऐसी थी, यहाँ माँ जिंदा नहीं थी, बच्चा रोता हुआ बिलखता हुआ कमरे में चला गया और कहता है, देन फियरिंग दिस इज फादर हिज ग्रेप शुड हैंडल स्लेव। और बाप को कुछ देर बाद एहसास हुआ, माँ तो दुनिया में नहीं है इसकी, माँ तो मर गई, शायद ये अब तक सोया नहीं होगा, बिलख बिलख कर रो रहा होगा, हिचके लेकर रो रहा होगा, सोया नहीं होगा, गम के मारे पढ़ाई पड़ी, उसको डांट पड़ी, तो वो बच्चा मेरा सोया नहीं होगा। अब बाप पहुंचता है, आए बाप है ना बेटा, माँ बाप अपने औलाद को लाख बुरा भला कह दें, दिल में बहुत जगह होती है, बाप की मोहब्बत ख़त्म नहीं होने वाली है, पढ़ाई तो कर दिया 8-7 गलती करने के बाद। अब बाप को एहसास, कहते हैं आई विजिटेड हिज बेड, मैं उसके कमरे में गया देखने के लिए कि बेटा, जबकि डर क्या था कि सोया नहीं होगा, तो चाहता है देने के लिए, व्हाट्स हैपनिंग डियर, बट फाउंड हिम स्लम्बरिंग डीप। और देखता है, हैरान पड़ जाता है कि उसका बेटा गहरी नींद में सोया हुआ है, जबकि बाप क्या सोच रहा था, क्यों डर के मारे, माँ तो है ही नहीं उसकी जो सीने से लगाया उसको, इसलिए वो रोता होगा, रो रहा होगा, ब्लैक रहा, सिस्की मार रहा होगा, मैं उसे चुप करवाऊंगा। बट यहाँ कहानी उल्टी है, यहाँ तो बच्चा गहरी नींद में सोया पड़ा हुआ है, बाप परेशान विद डार्किन आईलिड, उसकी पपोटे आंखों में इतना रोया था कि उसके डार्क काले पड़े, हल्के पड़े, एंड ही योर लैशेस, यार उसके पलकें थी ये इसके पूरी क्या भीगी हुई थी, यानी कि वो रोया था, ही वेंट टू रूम एंड वेप अ लॉट बट देन ही स्लिप फ्रॉम हिज लेट सोबिंग वेट, क्योंकि बहुत देर तक वो उसकी मार कर रो रहा था, तो रोता रोता सो गया, तो उसकी आंखें पपोटे पूरी उसके आंखों से गीले हो गए, तर हो गए। अब बाप की मोहब्बत, एंड आई विद मोन, मुझे बहुत तरसा, दिल मेरा फट गया देखकर ये नज़ारा अपने बेटे का, वो मोन की मीन तर्स खाना, ओ मेरी, ओ माई लव, माई सन, व्हाट आई हैव डन टू यू, दिल भरा है उसका, और मोन मीन दिल भराना। किसी में भी इस जीवर उसको सीने से लगाता है, उसके आंसू साफ करता है, चुमता है, प्यार करता है, बाप बेटे को प्यार कर रहे हैं, हिस्टर आंसू साफ करता है, लेफ्ट अदर ऑफ माय ओन, मैंने उसके आंसू साफ किया, मेरे आंसू आंसू झरझर झरझर बहने लगे। देखें क्या मोहब्बत बाप की, देखकर देख नहीं पाया वो कि मैंने क्या कर दिया, बेटे को मारा मैंने, चमाट मारा मैंने, पीटा है, डांटा उसको, और ये आंसू बस रो रहे, आंसू साफ करने के बाद उसके आंसू जो कतार से निकल पड़े। कहता है, फॉर ऑन अ टेबल ड्रॉन बिसाइड हिज चेयर, जब मैंने देखा उसके सिरहाने पे टेबल उसने खींच रखा हुआ था, टेबल के ऊपर बहुत से टॉयज पड़े हुए थे, एक आम सा बच्चा, नॉर्मली बच्चा जब रोता है तो माँ बाप उसे देते हैं टॉयज, बेटा खेल लो। अब ये बच्चा पुराने जमाने के बच्चे है, तो टॉयज भी पुराने जमाने के एंटी टॉयज है, आज के बच्चे रोते हैं तो बेन 10 टेडी बियर्स एंड मैनी मोर टॉयज वॉट टू बी गिवन, बट दैट टाइम के टॉयज अलग टाइप का टॉयज थे बच्चों। तो यहाँ पर बात हो रही है, ही हैड पुट विद इन हिज रीच, यानी वो टेबल के ऊपर उसने मुख्तलिफ उसने खिलौने रखे हुए थे ताकि वो आराम से उसके हाथ वहाँ पहुँच सके। अ बॉक्स ऑफ, अब यहाँ क्या था टॉयज के अंदर, अ बॉक्स ऑफ काउंटर्स, डब्बे, मुख्तलिफ डब्बे थे, एंड अ रेड वेन स्टोन, और लाल कलर के पत्थर, सुख पत्थर, अ पीस ऑफ ग्लास, और की पीसेस, गिलास के पीसेस, अबॉर्डेड, उस पर रगड़ था, पुराने साहब के थे, पुराने जमाने के, बाय द बीच, जो पत्थर कहाँ मिलते हैं, बीच पर रगड़े हुए खराब टाइप पत्थर, वो पत्थर पड़े हुए, लाइक अ टॉयज थे। आज के बच्चे खेलेंगे टॉयज से, कभी नहीं खेलेंगे बच्चों, कभी नहीं खेलेंगे, अगर बच्चों को दो पत्थर दो आगे मार दे फेंक के, वो कभी खेलेगा नहीं आपसे। तो यहाँ पर बाप ने बच्चों को क्या टॉयज दिया हुआ है, डब्बे का बॉक्सेस दे दिया है, लाल पत्थर दे दिया है, ये सब दे दिया है, ठीक है। अ बॉटल 6 or 7 शेल, 6 or 7 यानी कि क्या शेल जो समुद्र में से सीपी होती है शेल्स, वो पड़े 6 or 7, एंड बॉटल विद ब्लू बेल्स, और पूर्ण गुलदस्ता, एंड 2 French copper coin, 2 French जो थे तांबे के सिक्के, रेंज देयर विद केयरफुल आर्ट, बच्चे ने खिलौने को पटक नहीं दिया, बड़े तरतीब से उसने खिलौने को उसने अपने आस पास रखे हुए थे, केयरफुल क्राफ्ट टू कम्फर्ट इज सैड हर्ड, ताकि अपने सैड हर्ड को वो कम्फर्ट कर सके।
सो व्हेन दैट नाइट, ये देखकर पोएट बहुत दिल भरा उसका आया और रात को वो नमाज पढ़ते दुआ करने जाते अल्लाह से, तो व्हेन ही प्रेड दैट नाइट टू गॉड आई वेप एंड सेड, मैं बहुत रोया और मैंने कहा गॉड। अब यहाँ पे आते हैं क्रिश्चियन फेथ, हम अल्लाह को कभी नहीं बोलते गॉड यानी कि फादर, बट क्रिश्चियन कहते हैं कि वो उनका बाप है, ठीक है ना, और जीसस के ओनली सन है। तो वी डू नॉट बिलीव दैट, यहाँ पर वो मिसाल दे रहे हैं एक बाप को गॉड से, सन को इंसानों से। अब सुने वर्ड से, टू गॉड आई वेप एंड सेड व्हेन एट लास्ट वी लाई विथ फ्रेंड्स ब्रेक, जब तक हम दुनिया में जिंदा हैं ए अल्लाह, हम जब तक हमारे सांस है हम झूठ फ्रेप करप्शन करते रहेंगे, मिस्टेक्स करते रहेंगे, गलतियां करेंगे, तेरी बात को फॉलो नहीं करते। कब तक? जब तक हम हमारे अंदर सांस है, आखिर सांस तक हम गलती शरारत करेंगे एज अ चाइल्ड। जब तक बच्चा दुनिया में है, जब तक बड़ा नहीं होता है, बाप की बात को वो क्या करता है, डिफाई करता है, डिनाई करता है, नहीं ये नहीं करूँगा। आप लाख बच्चों बोलो ये काम नहीं करो, वो करेगा। तो यहाँ पर इंसानों को अल्लाह ने कहा बेटा ये काम करना नहीं है, लेकिन इंसान काम करते हैं क्योंकि उसको आसरा है, उसको उम्मीद है कि मेरा अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर डालेगा। Not waxing here or in there, जब तक मौत ना आ जाए तो ये परेशान करते रहते हैं। इस तरह बच्चा तो बड़ा नहीं होता है, बाप माँ को तंग कर, सिमिलरली इंसान भी जब तक मौत ना आए तो वो अल्लाह की बात को फॉलो नहीं, तंग करना। कहते हैं एंड दो रिमेंबर्स ऑफ टॉयस, और याद है मुझको उन टॉयस के बारे में, वी मेड आवर जॉय, इंसान जो है अपने खुशी को आगे बढ़ाने के लिए डिफरेंट टॉयज बनाते हैं, उसको देखते हैं, उसे खेलते हैं। हाउ वीकली अंडरस्टूड, हम बहुत कमज़ोर हैं, ना समझ हैं, बेअकल हैं, थाए ग्रेट कमांड गुड, तेरे अहकाम की हम पैरवी नहीं कर पाते मेरे खुदा। देन फादरली नॉट ले, जिस तरह बाप अपने बच्चे की गलती को माफ़ कर देता, तू हमारा बाप है, एक क्रिश्चियन कहते हैं गॉड को अपना बाप, यू आर माई फादर, एज अ फादर आई फॉरगिव माई सन, यू आर अवर मेंटोर फादर, फॉरगिव ऑल ह्यूमन बीइंग, तमाम इंसानों को बख्श दे, माफ कर दे। देन आई होम थॉ हैज मोल्डेड फ्रॉम द क्ले, क्योंकि हमें मालूम है हमें टॉयस को मिट्टी से बनाया, तूने हमें मट्टी से बनाया, डिफरेंट शेप में दिया हुआ है, जब चाहे तो हमें ख़त्म कर सकता है, मेरे खुदा हमें तो बख्श दे, माफ़ी मांग रहे, दुआ कर में वो माफ़ी मांग रहे। धो इट लीव था राइट, खुदा रा अपना गुस्सा अपना अजाब हम पे ना गिरा, हमको बख्श दे, हमको माफ़ कर दे। एंड से इट विल बी सॉरी फॉर दियर चाइल्ड, जिस तरह बच्चा अपनी गलती करते रहता है और बच्चे गलती बाप माफ़ कर लेता, तू भी हमारा बाप है, हम तेरे बच्चे हैं, हमारी गलती को तू माफ़ कर दे। तो ये है बच्चों मेन पॉइंट के लेक्चर्स हैं, और जो सवाल एग्ज़ाम में आते हैं वो देख लें बोर्ड पर। सवाल क्या है, इम्पॉर्टेंट सवाल है ये, हाउ डिड अ चाइल्ड गेट हिज सैड हार्ट कंसोल, किस तरह से उस मासूम बच्चे ने अपने सैड हार्ट को आराम पहुँचाया। तो इसका आंसर वही है, बाई द चाइल्ड गेट इज सैड कंसोल्ड बाई डिफरेंट काइंड ऑफ टॉयज लाइक बॉस काउंटर्स ब्लू बेल्स सू कप पॉइंट एंड मैनी मोर टू सैड इज हार्ट कंसोल्ड। दूसरा हमारे पास क्या है, व्हाट प्रे डिड द पोएट आस्क गॉड एट नाइट, उस रात को अल्लाह ताला से पोएट ने क्या दुआएं मांगी, दुआ क्या मांगी, बख्शिश मगफरत के हवाले से। इस तरह बाप अपने बच्चे की गलती को इग्नोर करता है और बाद में माफ़ कर, सिमिलरली अल्लाह ताला भी अपने बंदे की गलती को इग्नोर करता है और उसको देता है पनिशमेंट, फिर उससे वो माफ़ कर डालता है। ये दुआ क्या मांगी है, यू नीड, दोनों सवालों का आंसर आपके नोट्स में अवेलेबल है, इफ़ यू वॉन्ट फ्रॉम द नोट्स एज यू विच और नॉट यू कैन लर्न फ्रॉम द लेक्चर, यू कैन गेट इट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच कम एग्जामिनेशन। ठीक है बच्चों, यहाँ तक के लिए हमारा ओके, लेक्चर हमारा 8 मुकम्मल है, कमिंग क्लास में मिलेंगे आपसे लेक्चर नंबर 9। थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज़।